नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल के उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा में। तो मुकेश जी, उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा में तो बड़ा मजा आ रहा है, काफी अच्छा कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो इस चर्चा को और आगे ले जाते हुए मैं आपसे आज का सवाल मेरा ये है कि आप पिछले 25 साल से अखबार निकाल रहे हैं, पब्लिकेशन 9 से 10 एडिशन है आपके, तो शासन और प्रशासन को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपनी जो ये विज्ञापन नीति है और जो विज्ञापन के लिए जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतरीन की तरफ लेके जाएं और इम्प्रूव कर सके। स्वाति, पिछले 20-22 सालों में मैं कई सारे राज्यों में गया और कई सारे राज्यों से हमने पब्लिकेशन को प्रकाशित कराया, तो हमें वहाँ पता चला कि क्या सिस्टम है विज्ञापनों का। मुझे एक बार गुजरात जाने का मौका मिला स्वाति, तो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने वहाँ के जो पत्रकार थे और वहाँ के अखबारों के मालिक थे उनके साथ संपर्क किया और उनके साथ मैं रहा। तो मैंने वहाँ जाना कि भाई आपको जो गुजरात में विज्ञापन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो मुझे वहाँ के अखबार वालों ने बताया कि यहाँ बिल्कुल साफ है, यहाँ फिक्स है कि वीकली अखबार है तो उसको 5 लाख मिलेगा, फोर्टनाइटली है तो उसको 4 लाख मिलेगा, या दैनिक अखबार है छोटा तो उसको 12 लाख रुपए मिलेगा साल का। बोला उस इस तरह से वह कैटेगरीज बनाई हुई थी, एक अमाउंट फिक्स था उतना उसको मिलेगा ही मिलेगा साल में। तो साथ ही दो चीज उससे समझ में आई, एक वो भ्रष्टाचार कम होगा भाई, अगर मुझे पता चलेगा कि साल में मुझे 12 लाख रुपए मिलना ही मिलना है तो मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा, समझ रहे हो ना। तो मोदी जी की वहाँ पे जो विज्ञापन पॉलिसी थी गुजरात में बहुत ही अलग थी, बहुत अलग, मतलब किसी राज्य में मुझे देखने को मिली ही नहीं ऐसी विज्ञापन नीति उन्होंने बनाई हुई थी। और वहाँ पर उसी नीति के तहत लोगों को विज्ञापन मिल रहे थे और वहाँ के जो अखबार वाले थे हमारे स्टेट के अखबार वालों से ज़्यादा संबंध थे उस समय। हाँ, तो हमारे तो बुरा हाल था, अब तो सुधार हो गया लेकिन उस समय तो बहुत बुरा हाल था। तो मैं इस सरकार को यही सुझाव दूंगा कि ऐसा करें वो कि कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, हाँ ऐसा कोई कैटेगरीज बना के फिक्स अप कर दिया जाए उनको। देखिए, पता सबको है कि एक अखबार अगर निकालता है तो उसका साल में कितना पैसा खर्च होता है, सब पता है, दाएं बाएं से वो विज्ञापन भी लेता है और भी निकालता है, बहुत सारी चीजें। तो अगर वो फिक्स हो जाता है तो स्वाति वो अखबार जीवित हो जाता है उस एरिया में। अब वो अगर अच्छा होगा तो सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, सोच भी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या होता है दादी, आदमी क्या करता है कि जब उसको कुछ मिलता नहीं है ना तो वो पॉजिटिव सरकार पे भी थोड़ा नेगेटिव थॉट रखना शुरू कर देता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अखबार को सही बात कहनी चाहिए, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो वो लिखे गलत कर रही है, सही काम कर रही है तो वो सही काम कर रही है। हमने अरविंद केजरीवाल जी के जो क्वेश्चंस पे हमने किए तो वहाँ पे स्वाति काम ठीक नहीं हो रहा था, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं लिखते, हम ना सरकार के खिलाफ बोलते। सर अंकित जी, देखिए मैं बोलूँ कि हमने कुछ खिलाफ या किसी के हम खिलाफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो सही चीज है वो लोगों के सामने ला रहे हैं, कोई खिलाफ किसी के नहीं, हम किसी के खिलाफ क्यों जाएंगे, हमें भाई किसी से राजनीतिक तो नहीं है ना हम, कि हम बीजेपी के हैं, हम आम आदमी पार्टी के हैं, हम तो जो सही चीज है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं बस। देखो स्वाति, हमें कुछ विज्ञापन दिल्ली सरकार से मिल रहा था हमने ये हमने खबर चलाई, ठीक है, हमें लगा कि यार लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमने कहा ये ठीक नहीं हो रहा, हमने इसलिए जो है ये मुहिम छेड़ी है, चाहे वो सर उत्तर प्रदेश हो स्वाति या कोई भी राज्य हो, अगर कहीं गलत काम हो रहा है, गलत चीजें कर रही है सरकार या उसका दुरुपयोग कर रही है तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी हो। तो उत्तर प्रदेश में स्वाति यही है मेरा मैसेज, यही है कि अगर ऐसी कैटेगरीज बनाकर फिक्सअप कर दें तो शायद बेहतर होगा। गुजरात का जो मॉडल है, जो विज्ञापन उन्होंने मोदी जी ने बनाया है, वो अगर लागू हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को उसका फायदा होगा और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ना भाई कैटेगरी है इस बिग, मीडियम और स्मॉल, तो मीडियम और स्मॉल को जो विज्ञापन जाते हैं वो क्या होता है कि कम कॉस्ट, मतलब भाई उसमें पैसा भी कम जाता है क्योंकि उनका रेट कम होता है, और वही अखबार मतलब अगर एक पेज का विज्ञापन है तो जो बिग अखबार होगा उसका रेट ज़्यादा है तो उसमें पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा सरकार को, छोटे अखबार में पैसा कम देना पड़ेगा क्योंकि उसका रेट कम है,
तो कुछ ऐसा भी कैटेगरी नहीं कर सकते कि भाई बड़े अखबार जो है उनको वही विज्ञापन हाफ पेज का कर दें और छोटे को फुल, कुछ इस तरीके से कर सकते ताकि छोटे को भी मिले और बड़े को भी मिले? देखो स्वाति, ये हमने इस पे मंथन किया था काफी कि जो बिग मीडिया है उसको हाफ कर दें और उसको फुल कर दें, उसको रेट में। लेकिन क्या है कि स्वाति, जो स्मॉल अखबार है वो उनका एक सीमित दायरा है और जो लीडिंग अखबार है उनका बहुत बड़ा दायरा है। तो अब सरकार जो ऐड देती है उसमें ये रहता है कि यार उसको ज्यादातर लोग पढ़ें, वो ज्यादातर लोग पढ़ें। तो इसमें अधिकारियों ने भी मंथन किया हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भाई लीडिंग अखबारों को तो देना ही पड़ेगा विज्ञापन, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचे, और जो क्षेत्रीय अखबार है उनको एक सीमित दायरे में विज्ञापन फिक्स अप कर दिया जाए, उनको मिलना चाहिए। हाँ, मेरा भी कहना है क्योंकि कई ऐसे अखबार हैं मुकेश जी, छोटे अखबार हैं जो कि ना टियर टू छोटे जो शहर है उनमें बड़े अखबार नहीं जाते, तो गाँव गाँव में वो अखबार जा रहे हैं पर उन अखबार को इतना विज्ञापन नहीं मिल रहा या सरकार की नीतियां वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो छोटे अखबारों को भी कहीं ना कहीं इनको किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहिए ताकि उसके माध्यम से भी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मेरा कहना यह है कि इन्हें इस तरीके से करना चाहिए कि बड़ा अखबार को भी मिले, छोटे को मिले, पर और सरकार का इसमें कॉस्ट भी कम जाएगा। देखो स्वाति, मैं एक बात, मेरे बहुत सारे अखबारों के मालिकों से संपर्क रखता हूँ जो स्मॉल और मीडियम अखबार, ज़्यादातर मेरे मित्र भी हैं जो अखबार निकालते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई उनको विज्ञापन मिल रहा है उत्तर प्रदेश से? सब कहते हैं यार जब से यूपी जी आए हैं तब से बिगर कमीशन दिए विज्ञापन मिल रहा है। ये सुन के स्वाति दिल खुश हो जाता है कि कोई अखबार वाला पहली बार ऐसी बात बोले तो मन को लगता है कि यार कुछ तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, कुछ तो अच्छा हुआ है। तो ये भी कम नहीं है स्वाति। अगर देखो एक बात हूँ स्वाति, अगर मेरे को 12 लाख रुपए का विज्ञापन दे दिया और मैंने 6 लाख रुपए कमीशन के दे दिए, बचा क्या? मुझे क्या बचा? अब मुझे 12 में अगर 8 लाख का सरकार विज्ञापन दे रही है तो बिगर कुछ दिए तो उनको 4 लाख का तो फायदा हो रहा है। तो ये एक अच्छा काम कर रही है सरकार हिंदी में, विज्ञापनों में कोई भेदभाव नहीं है, और चाहे वो उर्दू अखबार हो स्वाति, चाहे हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबको भरपूर विज्ञापन मिल रहा है। और सरकार कि जो स्कीम है जो सरकार देती है समय समय पर वो लोगों तक पहुंच नहीं है, और हर अखबार उसे अपने अखबार में छाप के अपने सोशल मीडिया पे भी उसको टैग कर रहा है, डिजिटली भी काफी प्रमोशन हो रहा है भाई। अखबार की पेजेस भी जाती हैं और देखा जाए तो इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की डेट में खड़ा हो गया, यूट्यूब चैनल और इतने माध्यम है, उसके थ्रू भी बहुत प्रमोशन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि डिजिटली जो प्रमोट हो रहा है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली क्या है, अगर मेरे अखबार का सर्कुलेशन 25,000 है स्वाति, अब मेरे जो लोग हैं, मेरे जो रिपोर्टर्स हैं, एक 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 रिपोर्टर के पास 400-500 ग्रुप होते हैं, ठीक है? अब वो उन अखबारों को पीडीएफ को 500 ग्रुप में डालेगा, एक ग्रुप में 500 लोग होते हैं, आजकल 500 लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं स्वाति, अब उसमें से 200 लोग भी अगर अखबार पढ़ते हैं तो कुछ फॉरवर्ड करेंगे, तो इस तरह से जो है बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, उसका जो सर्कुलेशन का जो ग्राफ है ना उससे बढ़ा है, डिजिटली होने से बढ़ा है, और जो पीडीएफ जा रही है ना इससे बहुत लोगों को फायदा, अखबार पढ़े ना पढ़े लेकिन पीडीएफ होता है क्या ना, अखबार मिले ना मिले, इंसान के हाथ में मोबाइल रहता है, तो आया तो एक मिनट उसने मोबाइल खोला अपना, फट से देखा अच्छा क्या चल रहा है, पीडीएफ खोली और देख लिया, तो वो एक ऐसा माध्यम है लोगों को फटाफट पता चलता है क्योंकि इतना टाइम कहाँ है कि अखबार ढूंढे, और कई बार ऐसा होता है। अच्छा स्वाति, सरकार को पता है कि जो अखबार 25,000 छापता है कितना छापता, सरकार को ये भी पता है, लेकिन उनको ये पता है कि इसका प्रसार कितना है, अब उसका नेटवर्क कितना है, मेन बात है नेटवर्क पे। अब जो ये पीडीएफ और ये सब जा रहा है, नेटवर्क का ही खेल होता है, अगर एक अखबार का नेटवर्क बड़ा है या उसके तो उसका प्रसार बड़ा होगा, ठीक है? जब वेबसाइट पे अखबार पढ़ा जाए, चाहे वो पीडीएफ पे ग्रुप के थ्रू पढ़ा जाए, वो पढ़ा जा रहा है अखबार, आज अब वो बात नहीं रही है, सर्कुलेशन बड़े लेवल पे दिखने लगा है। मुकेश जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि ये जो हमारे क्या नाम है अखबार है, अखबार बेसिकली पब्लिक का आईना होती है, सरकार जो काम कर रही है सरकार के बारे में ये सारा जो चीज़ें हैं लोगों तक अखबार के माध्यम से ही पहुँचती है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि शासन और प्रशासन को अखबार के मालिकों के साथ किस तरीके से एक वो बैठाना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए ताकि जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के अच्छे कार्य हैं, सरकार जो कर रही है वो मैक्सिमम लोगों तक, जन जन तक, हर घर तक पहुंचे।
देखो स्वाति, सरकार को क्या करना चाहिए कि एक तो जो अखबार के मालिक हैं, जो जैसे सपोज करो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जितने भी अखबार निकल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय अखबार हों, चाहे बिग लेवल के अखबार हों या मीडियम लेवल के अखबार हों, गली मोहल्लों से निकलने वाले अखबार हों, जो सरकार के पैनल पर हैं उनके साथ कम से कम इंफॉर्मेशन डायरेक्टर या तो, और अगर मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में उनके साथ एक सम्मेलन हो, लखनऊ में हो या किसी भी जगह हो, तो उससे क्या होता है कि जब हम सरकार के करीब आते हैं तो दर्द दुख दृढ़ दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें ये तकलीफ है, ठीक है, हम ये चाहते हैं, या मैसेज हम सरकार को और अच्छा सुझाव दे सकते हैं। क्या है कि अभी सुझाव लिए नहीं जाते, दिक्कत पता है कहाँ की है, सुझाव लिए नहीं जाते, या अगर ऑनलाइन ही मन की बात में लोगों के सुझाव लेते हैं, दुख दर्द लेते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, तो योगी जी भी कर सकते हैं। योगी जी जो है जो प्रदेश के अखबार हैं उनको, उनके दुख दर्दों को, उनकी तकलीफों को, उनके लिए थोड़ा सोचेंगे ना तो स्वाति एक बड़ी क्रांति आएगी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, आधा देश है, और कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, कई प्रधानमंत्री दिए हैं, और योगी जी उस तरफ चल रहे हैं, योगी जी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं उससे कहना, तो वो अच्छा है ना, तो अभी से उनको ये करना चाहिए और लोगों के गरीब आना चाहिए अखबार वालों के। चलिए मुकेश जी धन्यवाद उत्तर प्रदेश की विज्ञापन नीति पर इतने जवाबों का, और हम यही चाहेंगे जो सुझाव हमने दिए हैं उस पर काम किया जाए, लोगों से डिस्कशन किया जाए, और अखबार वालों से भी, और लोगों से भी डिस्कशन किया जाए, और जो बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जो बेस्ट किया जा सके वो करना चाहिए। एक और मेरा सुझाव है ऑनलाइन डिजिटल की तरफ, देखिए क्या है स्वाति, उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंफॉर्मेशन अधिकारी होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जिला सूचना अधिकारी, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में वीकली भी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बार हम डिजिटली जोड़ सकते हैं अखबार वालों को। हाँ वही मैंने कहा कि हम एक वैसा फोरम तो नहीं लगा सकते कि हम ऑफलाइन फोरम, लेकिन हम ऑनलाइन का तो जब से कोविड हुआ इतना चला, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फोरम ओपन कर दिए, वहां लोगों पे डिस्कशन कर सकते हैं। क्या हो रहा है स्वाति कि जैसे सपोज करो सरकार की बहुत सारी उपलब्धियों का जो वो बुक्स आती हैं, मेटर्स आते हैं, वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते, लोगों तक नहीं पहुंच पाते, अखबार वालों को नहीं मिलते, बाकी लोगों को तो क्या मिलेंगे, अब वो किताबें सब आती हैं रद्दियों में चली जाती हैं, उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो इससे भी जो है थोड़ा, पहले क्या होता था कि पत्रकारों को बुला के वो सब दिए जाती थी, जिला सूचना अधिकारी दे देते, लेकिन जो जिला सूचना अधिकारी है ना वो सही काम नहीं कर रहे सरकार के भी, तो मुझे लगता है, तो हमारे जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हैं वो थोड़ा इस पे स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे ना तो ये बेहतर हो जाएगा, और सरकार तक जो है बहुत सारी बातें जो लोगों तक नहीं पहुंच रही, प्रधानों के पास नहीं पहुंच रही, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं पहुंच रही है, तो वो पहुंचनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद मुकेश जी, कल फिर शाम को 6 बजे हम हाजिर होंगे कुछ और रोचक सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।